बच्चों, डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगात्मक परीक्षा की तैयारी के सेशन में आपको जगाने के लिए YouTube वीडियो चैनल न्यूमेरिक गैलेक्सी फिर आज हाजिर है। और सुबह का हार्दिक शुभकामनाओं के साथ पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उठाने में हाइड्रोजन बैलून को आसानी होगी? हाइड्रोजन बैलून ये हाइड्रोजन बैलून है और ये हाइड्रोजन बैलून है और इसमें हमको किस पदार्थ को उठाने में आसानी होगी? हाइड्रोजन बैलून है बच्चों। अब ऑप्शन क्या है? 1 केजी लोहा, 1 केजी लकड़ी और 1 केजी रुई और 1 केजी एक केजी रुई। तो 1 केजी रुई को उठाने में आसानी होगी, क्यों? क्योंकि ये जो रुई है इसका आयतन बहुत ज़्यादा होगा और ये इसको जो है ये वायुमंडल का जो ये दबाव है वो उस पर ज़्यादा होगा, वायुमंडल का दबाव उसको उठाने में सपोर्ट करेगा, जबकि लोहा छोटा होगा और वायुमंडल का जो सपोर्ट होगा ये बहुत कम होगा, बहुत कम एरिया इसको मिलेगा वायुमंडल को पुश करने के लिए। उसी तरीके से लकड़ी भी, लकड़ी का भी जो आयतन होगा वो बहुत कम होगा, इसलिए लकड़ी को भी उठाने के लिए जो वायुमंडल का दबाव है ये बहुत, वायुमंडल को ऊपर की ओर धकेलने वाला जो बल है वो बहुत कम होगा। 1 केजी मिट्टी में भी वही हाल, लेकिन 1 केजी रुई का जो है आयतन बड़ा होगा और इससे नीचे से जो लगने वाला ऊर्ध्वगामी बल है वो वायुमंडल की तरफ से वो ज़्यादा होगा, इसलिए 1 केजी रुई को हाइड्रोजन बैलून द्वारा उठाने में आसानी होगी। अगला सवाल है मित्रों, अगला सवाल जो पढ़िए, अगला सवाल क्या है पढ़िए। यदि 2 पावर टू दी 2x माइनस y बराबर 16 और 2 पावर टू दी x प्लस y बराबर 32, तो एक्स वाई का मान क्या? देखिए मित्रों, ये आप लोगों के 10 के क्वेश्चन सिलेबस का ही क्वेश्चन है। ये देखिए, ये 2 पावर टू दी 2x माइनस y बराबर है 16। अब ये देखिए 16 का पहले आप एलसीएम ले लीजिए, 2 8 16 2 4 8 2 4, तो आप लिख सकते हो 2 पावर टू दी 2x माइनस y बराबर 2 पावर टू दी 2 पावर टू दी 4। इसलिए क्या होगा बच्चों? इसलिए हो जाएगा 2x माइनस y बराबर हो जाएगा 4। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है? 2 पावर टू दी x प्लस y बराबर है आपका 32। तो क्या करोगे आप? ये देखिए 32 का एलसीएम लोगे, 2 कितने बार में? 16, 2 8 बार में, 2 4 बार में, 2 बार में, तो ये 32 को आप क्या लिख सकते हो? 2 पर कितने घात? 1 2 3 4 5, 2 पर 5 घात। तो 2 पावर टू दी x प्लस y बराबर 2 पावर टू दी 5। देखिए आधार 2 है दोनों तरफ और घात अलग अलग है, तो घात आधार और बराबर भी है, इसलिए x प्लस y बराबर हो जाएगा बच्चों 5। x प्लस y बराबर 5 आ गया। अब ये देखिए, अब क्या करेंगे? अब इसको हल करना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे? अब ये देखिए, पहला इक्वेशन मिल गया है आपको 2x माइनस y बराबर 4। देखिए घबरा ये नहीं, और ये है x प्लस y बराबर है आपका 5। तो क्या करो? जोड़ दो आप ना, जोड़ दो।
ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर लेनी होगी। 2x प्लस 1x, दो आम में एक आम जोड़ोगे, 3x बराबर 5 और 4 जोड़ोगे 9, तो x बराबर हो जाएगा 9/3, 3 × 9, तो x बराबर 3 आया। अब इसी समीकरण में रख दो तो ये हो जाएगा 3 + y = 5, तो y बराबर हो जाएगा 5 − 3 = 2। तो अब y मिल गया 2, x मिल गया 3, एक्स वाई का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 × 2 बराबर हो जाएगा 6। देखिए मित्रों, ये आंसर 6 होगा, ये देखिए आंसर 6, एक्स वाई का मान 6 होगा, ठीक है, ये रो इसका सही हो गया। एक समबाहु बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी है, है ना, एक समबाहु बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी है। अब ये देखिए कैसे, है ना, समबाहु बहुभुज, ये देखिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मान लीजिए इसकी भुजा है n, इस समबाहु बहुभुज है, ये क्या है, ये क्या है, ये किस चीज का चित्र है, समबाहु बहुभुज, बहुभुज का चित्र है, ठीक है। अब इसकी भुजा मान लीजिए n है, तो इसके कुल आंतरिक, समबाहु बहुभुज के कुल आंतरिक जो कोण होते हैं, तो ये सब कोण है ना, तो ये कुल आंतरिक कोण, कुल आंतरिक कोण, कुल आंतरिक कोण की माप होती है, n भुजा है इसकी, तो 2n − 4 × 90 डिग्री, 2n − 4 × 90 डिग्री, और प्रत्येक का, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, कोण की माप क्या हो जाएगी, 2n − 4 × 90/9, और ये आपको दिया है कितने डिग्री का है, 135 डिग्री, तो ये हम इसको करेंगे 2n − 4 × 90/n = 135। तो अब ये देखिए मित्रों, ये आपका क्या है कि इसमें आप क्या करो, इसको हल करना पड़ेगा आपको। इसको कैसे हल करोगे ये मैं बताता हूँ। तो 2n − 4 × 4 × 90 = 135 n, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको 90 से गुणा कर देंगे, तो 92 जा कितना हो जाएगा, 180 n, माइनस 9 चौके 36, 360 बराबर हो जाएगा 135 n, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 180 n माइनस 135 n बराबर हो जाएगा 360, 180 में से 135 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 4, 45 बराबर हो जाएगा, है ना, 45 में 5 है ना, ठीक है, तो 45 n बराबर हो जाएगा 360, तो n बराबर हो जाएगा 360/45, तो 45 8 बन जाएगा, तो n बराबर 8 आएगा। देखिए यहाँ पर हमें n बराबर हो जाएगा 8, ये इसका आंसर हो गया मित्रों। अब ये देखिए क्या है, ये क्या है, जरा सा बोली मिट गया है क्वेश्चन, बोली इक्वल टू 7 रखते हैं, ये सही क्वेश्चन है, और मैं इसका हल आपको दिखा रहा हूं। तो अब ये देखिए, ये आपके 10 का क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, पहला समीकरण है 2x + y = 3, पहला इक्वेशन है, और दूसरा है 4x + 2y
6 is equal to 6. अब देखिए इसमें पता, पहले वाले में A1 ये पता करना होगा, पहले वाले में ये इसमें A1 क्या है, A1 बराबर है, B1 बराबर क्या है, Y है तो मैं 1, और C1 बराबर क्या है, 3. नो -3 हो जाएगा, ध्यान रखिए -3. अब इसमें देखिए A2 बराबर क्या है, 4. B2 बराबर क्या है, 2. और C2 बराबर -6. शाबाश, तो अब क्या करिए, A1 बटे A2 निकाल लीजिए, A1 बटे A2 कितना हो जाएगा, 2/4 क्या हो जाएगा कट के, 1/2. अब B1 by B2 कितना हो जाएगा, 1/2, और C1 by C2 कितना होगा बाबू, ये हो जाएगा -3/-6, -minus कैंसिल, 1/2. अब आपको पता है जब A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 और बराबर हो C1 बटे C2 तो कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, अनंत हल। और इसके आंसर देखिए, एक हल दो हल, ये अनंत लिखा है, अनंत अनंत हल। देखिए इसका आंसर ये होगा बच्चों, है ना बहुत आसान। आप मेरे इस वीडियो चैनल न्यूमेरिक गैलेक्सी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मैं नियमित आप लोगों की तैयारी में अपना खून पसीना एक करता हूं। हमारी शुभकामनाएं हैं, आप सफल हों, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप असिस्टेंट इंजीनियर बन जाएं। हाँ, इसलिए आप मेरे इस YouTube न्यूमेरिक गैलेक्सी वीडियो चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज बस इतना ही, फिर कल नए क्वेश्चंस के साथ, नए जोश के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।